फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता ही है कि पेट में पल रहे बच्चे का विकास और पोषण पूरी तरीके से माँ के खाने पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप जो भी खाती हैं उसका सीधा सीधा असर आपके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। ऐसे में जन्म के समय होने वाले बच्चे का संतुलित वजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चे के हेल्दी होने का पता चलता है। वैसे तो कुछ बच्चे पेट में ही कमजोर होते हैं और जन्म लेने के बाद इन्हें आसानी से हेल्थ की कई समस्याएं घेर लेती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाने से बच्चे का वजन 100% बढ़ता है। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए जिनसे कि पेट में पल रहे बच्चे का वजन बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें किस समय क्या खाना है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते में बेबी का वजन 1.81 किलोग्राम के आसपास होता है और आखिरी हफ्ते में 2.5 से 3.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ये हमारे वजन को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। इसलिए एक ही समय में ज्यादा मात्रा में भोजन करने से अच्छा है कि आप दिन में 4 से 5 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहें। ऐसा करने से न केवल मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है बल्कि वजन को बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। ऐसे में प्रेग्नेंट माँ अपनी डाइट की मदद से पेट में पल रहे बच्चे का वजन बढ़ाने का काम कर सकती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में कुछ खास फूड्स को डाइट में शामिल करके बेबी का वजन बढ़ाने में आपको हेल्प मिल सकती है। इसके लिए आप सबसे पहले फलों को डाइट में शामिल करें, क्योंकि कीवी, केला, तरबूज और स्ट्रॉबेरी जैसे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं और इस विटामिन की मदद से बेबी को पोषण प्रदान करने वाला प्लेसेंटा ठीक तरीके से काम कर पाता है। इसके साथ ही विटामिन सी खाने से मिलने वाले आयरन को भी सोखने में हेल्प करता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी बना रहता है। वही होने वाले बच्चे का वजन बढ़ाने में एवोकाडो भी मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन सी और ई भरपूर मात्रा में होता है और ये हेल्दी फैट्स का एक सोर्स है जिसे डिलीवरी के बाद आपके शरीर में गर्माई रहती है। साथ ही शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो में भी फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी, B6, आयरन, कॉपर और बीटा कैरोटीन होता है। शकरकंद में एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन की मौजूदगी आपके शरीर में विटामिन ए पहुंचाती है, क्योंकि विटामिन ए जैसा कि हम जानते हैं रूढ़ की त्वचा, हड्डियों और आंखों के लिए काफी जरूरी है और शकरकंद शरीर में आयरन के स्तर को बढ़ाता है। आप इसे मैश करके, बेक करके, उबाल के या सैलो फ्राई करके भी खा सकती हैं। इसके अलावा दही में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, जिंक और होने वाले बच्चे के शरीर में हड्डी बनाने वाले न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए होने वाली माँ के लिए डेली कैल्शियम की जरूरत 1000 मिलीग्राम है और आप दही के साथ इस जरूरत को पूरा कर सकती हैं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी हड्डी और दांतों को हेल्दी रखने के अलावा शरीर में अच्छी मात्रा में कैल्शियम समय से पहले डिलीवरी या जन्म के समय बच्चे के कम वजन की संभावनाओं को भी कम कर सकती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भी आपके बच्चे का जो वजन है वो कम है, तो आपको बिना कोई देरी किए अपनी डाइट में दालों को शामिल कर लेना चाहिए। दालों से प्रोटीन के साथ साथ थायमिन और फाइबर भी मिलता है, इसलिए आप दाल का सूप और दलिया बनाकर भी ले सकते हैं। साथ ही दाल के अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां भी बेबी के विकास और वजन दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। पालक, केला और बाकी की पत्तेदार सब्जियां, नट्स और साबुत अनाज आपको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। इनमें मैग्नीशियम होता है जो कि बेबी की हड्डियों के विकास में आपकी हेल्प करता है और यूट्रस में समय से पहले होने वाली ऐंठन को रोकने से रोकता है। इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान पेट में पल रहे बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में इन सभी चीजों को शामिल जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरीके से कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अब अगर आपको ये जानना है कि बच्चे का पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक विकास कैसे होता है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रही हमारी इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकती हैं, जिसमें हमने इस बारे में अच्छे से बताया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।